1940 से लेकर सन 2000 तक बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता प्राण इंडस्ट्री से जुड़े रहे, लेकिन 2013 में 93 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और बॉलीवुड के एक शानदार सितारे का अंत हो गया। बात करें प्राण की, तो उन्होंने अपने शानदार फिल्मी सफर के दौरान एक से बढ़कर एक हिट फिल्मों में काम किया है और सन 1940 से लेकर सन 2000 तक ये इंडस्ट्री से जुड़े रहे और इस दौरान उन्होंने सैकड़ों फिल्मों में अपनी बेहतरीन अदायगी का नमूना भी पेश किया। अपने कमाल के अभिनय और एकदम जुदा अंदाज की वजह से वो फिल्म इंडस्ट्री में काफी ज्यादा फेमस हो गए थे। प्राण गुजरे जमाने के मशहूर खलनायक और एक चरित्र अभिनेता रहे हैं। करीब 60 साल के अपने फिल्मी करियर में प्राण ने करीब 400 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है और ये सभी फिल्में अधिकतर उनके अभिनय के बलबूते पर चली। अपराण ने अपने करियर की शुरुआत फोटोग्राफर के तौर पर की थी, वह भी आज के पाकिस्तान के लाहौर से, पर 40 के दशक में पर्दे पर वो उतर आए और पहली फिल्म थी यमला जट, जो कि एक पंजाबी फिल्म थी। 1948 में बंटवारे के वक्त वो अपनी पत्नी और बच्चों समेत मुंबई आ गए और शुरू से वो नाकामयाब रहे, लेकिन इस बीच लेखक सआदत हसन मंटो की मदद से जिद्दी में उन्हें काम मिल गया। देवानंद इस फिल्म के हीरो थे। फिर तो उनकी गाड़ी चल पड़ी और आने वाले समय में उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और बताया जाता है कि साल 1969 से लेकर 80 के दशक तक उनका ही नाम चारों तरफ देखने को मिला। बताया जाता है कि उस दौर में कोई भी ऐसी कामयाब फिल्म नहीं बनी जिसमें प्राण ना हो, पर एक वक्त ऐसा भी आया जब प्राण अपनी फिल्मों के हीरो के बराबर पैसे लेने लगे थे। लेकिन इनसे भी एक मजेदार किस्सा जुड़ा रहा है और एक बार इनकी एक हरकत की वजह से बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री इतना ज्यादा भड़क गई थी कि उन्होंने निर्देशक से इनकी शिकायत भी कर डाली थी। बात करना चाहेंगे साल 1965 की, जब अपनी अदाकारी से जान फूंक देने वाले प्राण फिल्म गुमनाम की शूटिंग कर रहे थे। इस फिल्म के एक गाने की शूटिंग हो रही थी। शूट खत्म होने के बाद सभी अभिनेता आपस में मस्ती मजाक किया करते थे। इस फिल्म में हेलन भी थी और गाने की शूटिंग एक स्विमिंग पूल पे हो रही थी। प्राण को जाने क्या सूझा कि उन्होंने शूट खत्म होने के बाद मजाक में हेलन को स्विमिंग पूल में खींच लिया। हेलन को तैरना नहीं आता था, लिहाजा डर के मारे उनकी हालत खराब होगी और प्राण पर वो भड़क उठी। हेलन जब स्विमिंग पूल से बाहर निकली तो डायरेक्टर के पास शिकायत करने पहुंच गई, क्योंकि प्राण का मजाक उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। हालांकि प्राण को फिल्मों के अलावा खेलकूद बहुत ज्यादा पसंद था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जाता है कि 50 के दशक में उनके पास अपनी एक फुटबॉल टीम भी हुआ करती थी। हालांकि अपनी बेहतरीन अदायगी से उन्होंने इतना ज्यादा स्टारडम हासिल कर लिया था कि वो अपने दौर में हीरो से भी ज्यादा फीस लेते थे और अपनी फिल्मों में भले ही वो विलन के तौर पर काम करते थे, लेकिन सबके बावजूद उनका रुतबा हीरो से भी कहीं ज्यादा था। कहा जाता है कि प्राण की जब कैरेक्टर रोल में पर्दे पर आई तब भी तालियां बटोरी, जब विलन के तौर पर खौफ फैलाया तब भी उन्हें बहुत ज्यादा प्यार मिला। भारी भरकम आवाज के मालिक प्राण के पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब 60 और 70 के दशक में अभिनेता 2 से 4 लाख फीस लेते थे तो उस दौरान प्राण की इतनी ज्यादा डिमांड थी कि वो 5 से 10 लाख रुपए लेते थे। बताया तो ये भी जाता है कि उस दौर में इनसे अधिक फीस सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की थी और इसके बाद शशि कपूर की हुआ करती थी। यूं तो प्राण की कई सारी फिल्में ऐसी हैं जिसकी चर्चा आज भी होती है,